आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में छिपी नफरत को दिखाता दिल दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह कि यह वीडियो तब सामने आया जब जिनेवा में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति के लिए बातचीत की, लेकिन वायरल वीडियो के जरिए दावा किया गया कि अजरबैजान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वीडियो में सैनिकों की एक टोली दूसरे देश के फौजियों के खून की प्यासी दिखी। बताया गया कि सैनिकों का शिकार करने वाली सेना अजरबैजान की है, जिसने बंधक बनाए गए आर्मेनिया के जवानों की बलि ले ली, उन्हें जमीन पर गिराकर गोलियों से भून डाला। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई में दोनों तरफ के कम से कम 286 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि शायद सैकड़ों लोगों का खून बहाने के बाद भी दशकों की रंजिश खत्म नहीं हो पाई। अजरबैजान के सैनिकों ने अंधाधुंध इतनी गोलियां चलाई कि धुआं ही धुआं हो गया। जमीन पर लाशें ही लाशें बिछ गईं, लेकिन गोलियां चलनी बंद नहीं हुई। इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने इराक और सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले किए और कुल 30 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की की सेना ने इराक में कुर्द लड़ाकों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। तुर्की ने दावा किया कि इसके बाद वो लड़ाकू विमान इराक के उत्तरी हिस्से में उस जगह पहुंचे जहां कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बने हुए थे, और जैसे ही टारगेट दिखाई दिया आसमान से बम बरसा दिए गए। पहाड़ों के बीच एक हिस्से से बम के टकराते ही वहां तेज धमाके के साथ आग और धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके बाद तो मानो वहां बम बरसाने की होड़ लग गई। एक के बाद एक हुए कई जोरदार धमाकों ने पूरे पहाड़ी इलाके को धूल और धुएं से भर दिया। तुर्की ने दावा किया कि उसके फाइटर प्लेन ने उत्तरी इराक के 140 किलोमीटर अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों पर वार किया। तुर्की के मुताबिक उसकी वायुसेना ने इराक में 16 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 23 कुर्द लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही उसने सीरिया के उत्तरी इलाके में भी 7 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया।